आया और वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। सर मेरा अदानी विलमार का 100 शेयर है 786 के भाव पे। सर सब हम सब 2 साल रख सकते हैं, क्या करें सर? 2 साल के लिए बने रह सकते हैं, ठीक है। स्नेहा आप सजेस्ट करिए, अदानी विल्मर 786 काफी ऊपरी लेवल पर ले लिया है इन्होंने और नुकसान हो रहा है, और हम काफी समय से देख रहे हैं स्टॉक पे लगातार हकीकी गिरावट का ही ट्रेंड बना हुआ है। बट जो इनके लेवल है 786 के आसपास के जो लेवल्स है वो तो काफी पहले दिखाई पड़े थे। अब इस लेवल्स के आसपास या 800 के पार अगर बात करें तो कब तक स्टॉक निकलेगा, कितना समय इनको देना पड़ेगा? अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि जिस तरह की अपमूव दिखी थी उसके बाद अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन इज अ गुड इंडिकेशन। तो आई वुड से करके कि एक बार एक आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 560 के आसपास लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी ये काउंटर फिर से अगर 620 ये लेवल्स तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, और जब वो 620 ये सब लेवल्स क्रॉस कर देता है तो इसमें मोमेंटम ज्यादा आ जाएगा और मे बी 670 680 ये जोन भी देखने को मिल जाएगा। आई वुड से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। आई थिंक यहाँ से पॉसिबिलिटी है करके कि ये रिकवर करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 560 का आप लगा दें। 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको अडानी वेलमार के शेयर में बने रहने की सलाह है। बढ़िया, इन्होंने अपडेट्स जारी किए थे दिसंबर तिमाही के। राजेश का सवाल लेंगे उत्तराखंड से, इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा। इनके पास है चेन्नई पेट्रो की 200 शेयर 250 रुपए के भाव पर। विवेक, चेन्नई पेट्रो आपका क्या व्यू होगा? हमने देखा था कि जब जीआरएम्स ऊपर चल रहे थे तो चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये तमाम शेयर बहुत तेजी से ऊपर गए थे, लेकिन जैसे जीआरएम वाला फैक्टर खत्म हुआ ये शेयर फिर से नीचे आ गया और कहीं ना कहीं एक रेंज में सिमट के रह गए 5-6 महीने से। यहां से आपके लिए क्या ट्रिगर दिख रहा है और क्या सही भाव पे है, या अगर किसी को नया निवेश करना हो तो? आप देखो ना इसका वैल्यूएशन, तो ये तो यहाँ से एक काफी ऊपर के लेवल तक रहना चाहिए स्टॉक। लेकिन देखिए ये जो क्रूड का चक्कर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जब भी क्रूड में करेक्शन आएगा ये सारे स्टॉक्स वापस टूटेंगे, और इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि लगातार यहाँ से मतलब आपको प्रॉफिट दिखाते रहे कंपनी और ऊपर जाते रहे। तो मेरा तो सलाह ये रहेगी कि अवॉइड करना चाहिए आपको पर्टिकुलरली, बिकॉज जब तक क्रूड ऊपर नहीं जाए, और आज के दिन ये सिचुएशन है कि अगर क्रूड ऊपर जाता है तो इंडिया के लिए भी वो खराब है, तो क्रूड ऊपर जाएगा नहीं। और जैसे जैसे ये समर आने वाला है अभिषेक, देखिए ये जो हीटिंग रिक्वायरमेंट यूरोप वगैरह की है ये यहाँ से कम ही होने वाली है, तो अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, और ऑन एवरी रैली आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये रहा आपको स्टॉक में दे दिए चेन्नई पेट्रो में। अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये ट्विटर के जरिए हमें संदीप चौहान जी का सवाल आया है। इनका सवाल